किसान साथियों, ग्रीन मॉर्निंग साथियों। आज हम पंपिंग सेट्स के द्वारा पानी भर के अपनी मूंगफली की हार्वेस्टिंग किसान मित्रों द्वारा करवाएंगे। ये पंपिंग सेट काफ़ी दिन से बंद था, इसलिए इसको स्टार्ट होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है और इसमें कुछ समस्या आ गई है। जल्दी इसको ठीक करके हम स्टार्ट कर लेंगे और ये हमारा पंपिंग सेट स्टार्ट होकर पानी चालू भी हो गया है। ये आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, हमारी मूंगफली का खेत है ये। ये काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है हमारा, इसमें कई पार्ट हैं। हम नेचर को भी बरकरार रखते हैं। आप देख पा रहे हैं आसपास काफ़ी पौधे हैं, पौधों की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन जो कांटे वाले पौधे हैं उनको काट के अलग कर देना चाहिए, फूल फल वाले पौधे हैं केवल उनको ही सुरक्षित रखना चाहिए। तो किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं मानसून जल्दी आ गया। ये मूंगफली थोड़ा इनकी हमने बुआई थोड़ा लेट की थी, इसलिए यह मूंगफली की फसल मानसूनी बारिश में आ गई है, यानी कहते हैं मानसून की चपेट में आ गई है। और हम सूखे का इंतज़ार करते करते करीब 7 से 8 दिन हो गया और हमने देखा बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तो हमने फिर इस पानी भरकर ही मूंगफली की हार्वेस्टिंग कराने का फैसला किया। तो आप देख पा रहे हैं इसमें लगातार रिमझिम रिमझिम बारिश होने की वजह से घास भी काफ़ी हो गया। आप देख पा रहे हैं किनारे आसपास इसमें पेड़ पौधों की वजह से कई स्थान खाली रहते हैं, वहाँ पर फसल सही से नहीं होती है क्योंकि वहाँ पेड़ों की छाया आती रहती है। आप देख पा रहे हैं हमारे महिला मित्र बहुत ही अच्छे से कार्य कर रही हैं। किसान साथियों, हम महिलाओं को बहुत कमज़ोर आंकते हैं लेकिन महिलाएं हमारी बहुत अच्छा कार्य करती हैं, वो पुरुषों की तुलना में काम बहुत अच्छा करती हैं और फास्ट करती हैं। ये हमारे किसान मित्र हैं, बहुत अच्छे किसान मित्र हैं। आप देख पा रहे हैं मूंगफली की हार्वेस्टिंग किस प्रकार पानी में की जाती है। पहले उनको दोनों हाथों से उखाड़ा जाता है, फिर उनको पानी से धुलाई करने के बाद रखा जाता है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में किसान साथियों दोमट मिट्टी होने की वजह से इसको पानी में 2-3 बार पटकना पड़ता है तब मिट्टी साफ़ होती है। फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है, पूरी तरह साफ़ नहीं हो पाती है। और जहाँ बलुई क्षेत्र होता है वहाँ मिट्टी एक बार पानी में डिप करेंगे आप, पूरी तरह मिट्टी साफ़ हो जाती है। तो हालांकि इसमें थोड़ा मेहनत भी बढ़ती है हमारे किसान मित्रों को, हाथों में दर्द होने लगता है लगातार हार्वेस्टिंग करते करते। अब मानसूनी बारिश आ चुकी है तो इस तरह की समस्या आती हैं। और वैसे इसकी मूँगफली की हार्वेस्टिंग खुरपी के द्वारा की जाती है, खुरपी के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा। और जब कभी इस तरह का मौका आता है कि मूंगफली को इस तरह पानी में हार्वेस्ट करनी पड़ती है, मूंगफली में थोड़ा श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। यदि श्रम की अपेक्षा किसान साथियों मूंगफली का उत्पादन अच्छा नहीं होता है तो फिर हमारे किसानों को लाभ की जगह घाटे का सामना भी करना पड़ता है। तो किसान साथियों, हमारा कहना है आपसे कि आप मूंगफली की जब भी बिजाई करें कम क्षेत्र में करें और अच्छे तरीके से करें और समय से करें। यदि आप मूंगफली की बिजाई करके अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप धान की फसल लेने के बाद खेत को खाली छोड़ दें। कई बार हमारे कई किसान साथी क्या करते हैं, धान की फसल लेने के बाद कम समय वाली सरसों या अन्य फसल को बो देते हैं और फिर उसको जल्दी जल्दी उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये भी फसल नहीं हो पाती है। और उसके बाद जब हम मूंगफली की बिजाई करते हैं तो तब तक हमारा फरवरी का महीना पूरा निकल जाता है और मार्च अप्रैल में उसकी बुआई करते हैं। और जब मार्च अप्रैल में बुआई करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार ये हमारा हाल हुआ है, इसी प्रकार सभी किसान साथियों का हाल होना तय है। तो किसान साथियों, आपकी मूंगफली का उत्पादन यदि आप अच्छा चाहते हैं तो आपकी बिजाई या बुआई हमेशा 1 से लेकर 10 फरवरी के बीच हो जानी चाहिए। और इसकी कटिंग आप या हार्वेस्टिंग कैसे हम जिसे, तो इसकी आप हार्वेस्टिंग 1 जून से 10 जून के बीच आप इसको हार्वेस्ट कर लें। यह मौका बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हर बार 10 जून के बाद मानसून किसी भी समय आ जाता है, कभी कभी थोड़ा लेट आ जाता है, कभी कभी जल्दी आ जाता है। तो हमें इस समय मूंगफली की हार्वेस्टिंग करके हमको फ्री हो जाना है तभी हम सही उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और सही उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें खाद प्रबंधन का बहुत ज़रूरी है। कई किसान साथी हमारे मूंगफली की बिजाई करते समय
भूमि उपचार नहीं करते हैं, क्योंकि ट्राइकोडर्मा के माध्यम से भूमि उपचार करना चाहिए, ट्राइकोडर्मा बीडी का इस्तेमाल करना चाहिए, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे हमारी जो जड़ में फंगस होती है वो नहीं लगेगी। हमारे क्षेत्रों में 80% किसान भूमि उपचार नहीं करते हैं, इसलिए इनकी ज़मीन में फंगस उत्पन्न हो जाती है, मूँगफली काली होकर सड़ जाती है, मूँगफली में फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें इसमें फंगीसाइड का प्रयोग बहुत अवश्य करना चाहिए, भूमि उपचार भी करना चाहिए और बीज का उपचार करके भी डालना चाहिए। कई किसान साथी हमारे बिना उपचार किए बीज की बिजाई कर देते हैं, इससे हमारा उत्पादन प्रभावित होता है और बहुत कम उत्पादन हमें प्राप्त हो पाता है। तो किसान साथियों, जब भी आप अच्छा उत्पादन प्राप्त करें, इसमें आप भूमि उपचार अवश्य करें, फंगीसाइड अवश्य डालें, जैविक आप ट्राइकोडर्मा किसी भी प्रकार की खेती में आप इस्तेमाल कर सकेंगे, चाहे जैविक खेती कर रहे हों चाहे रासायनिक खेती कर रहे हों, आप दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें आप पोटास, डीएपी, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैल्शियम ह्यूमेट और पोटेशियम ह्यूमेट और पोटेशियम फुलबेट, इन दोनों का इस्तेमाल अवश्य करें आप प्रति एकड़ 100-100 ग्राम के हिसाब से। तो ये आपका क्या करेगा, जो आप खाद डालते हैं किसान साथियों, तो इसका अपटेक बढ़ा देता है और जो भी खाद हमारे खेतों में पड़ी होती है उसको खींच के पौधे के पास उपलब्ध कराने का काम करते हैं, जिससे हमारे पौधे अच्छे ग्रोथ करते हैं। इस प्रकार किसान साथियों, आप अच्छे उत्पादन के लिए आप मूँगफली की बिजाई हमेशा समय से करें।